जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चैप्टर स्टार्ट करते हैं जी। हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड इट्स लेवल्स। क्या होता है जी रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन? रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एग्रीमेंट होता है जी डिफरेंट कंट्रीज के दरमियान जो जियोग्राफिकली पास पास होते हैं मुल्क। और एग्रीमेंट क्यों करते हैं जी? ताकि इनका जो टैरिफ है और नॉन टैरिफ जो बैरियर्स लगे होते हैं वो ख़त्म हो जाए, ताकि फ्री फ्लो ऑफ गुड्स हो, सर्विसेज हो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फ्रीली मूव कर सकते हो, यानी कि ट्रेड इंक्रीज हो जाए और आपस में इजीली ट्रेड कर सकते हैं, आपस में इजीली लोग आ जा सकते हो, वीज़ा की प्रॉब्लम ना हो, बैरियर्स ना हो, ख़त्म हो जाए, ताकि जो वो रीजन है वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो। देखिए नाम ये बताता है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इलाकाई माशी इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन होता है मिला हुआ, तो आपस में लोग मिल जाते हैं ताकि वो इलाके की डेवलपमेंट हो। अब रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इज अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, ये एंड पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ, और ब्लॉक्स बन जाते हैं, आपस में कम्पीट करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अभी वो डिस्कस नहीं करते, पहले हम समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है और कौन कौन से ब्लॉक्स बने हुए हैं, उसके बाद हम फाइनल फैसला लेते हैं इसका। इसके जी 5 लेवल होते हैं, कहीं 6 लेवल हैं, कहीं 4 लेवल हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग के 5 लेवल्स हैं, तो उसी को लेके हम डिस्कस करते हैं। ये देखें, इससे पहले मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखा दूँ। ये देखें जी, ये 5 लेवल्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम फ्री ट्रेड एरिया, फिर हम लोग के पास कस्टम यूनियन है, फिर हम लोग के पास कॉमन मार्केट है, इकोनॉमिक यूनियन एंड पॉलिटिकल यूनियन। तो फर्स्ट वर्ड हम लोग के पास है जी फ्री ट्रेड एरियाज एरिया। इसमें क्या होता है जी, ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें जितने भी बैरियर्स हैं ट्रेड करने के वो ख़त्म हो जाते हैं। मतलब टैक्स लगा हुआ है, टैक्स ख़त्म कर देते हैं, तो वो फ्री ट्रेड जोन कर देते हैं आपस में, कि अगर हम आपस में ट्रेड करते हैं इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट, तो उसमें टैक्स नहीं होगा, उसमें मुश्किल नहीं होंगी, उसमें बैरियर्स नहीं होंगे, उसमें आसानियाँ होंगी। तो यह सबसे बेसिक है। और बाकी जो मेंबर्स हैं वो किसी मुल्क के साथ ट्रेड कर सकते हैं, किसी भी टाइप की ट्रेड कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस ये इन्होंने आपस में ट्रेड करनी है तो इसमें टैक्सेस नहीं होंगे। अच्छा जी, इसमें एग्जांपल्स दी गई हैं कि इंटीग्रेशन की, ये जो सार्क और ये नेफ्टा है, ये एग्जाम्पल फ्री ट्रेड की नहीं मेंशन दी गई यहाँ पे। यहाँ पे बस ये बताया गया है कि जो एग्जाम्पल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के वो सार्क है, नेफ्टा है और बहुत से इंटीग्रेशन एग्रीमेंट हैं। चलो जी नेक्स्ट पे आ जाए। हम लोग के पास नंबर 2 जो है वो है हम लोग के पास कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन में क्या होता है? अच्छा इधर एक बात आपको बता दूं, जिस जैसे जैसे हम एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाएंगे, तो फर्स्ट प्रीवियस लेवल की जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो नेक्स्ट में एड ऑन होती जाएगी। इसी तरह इसी वजह से एक्सपेंशन की तरफ शो किया गया है। तो जो हम लोग का सेकेंड वन है कस्टम यूनियन, इसमें आपस में जितने भी ट्रेड होंगे उसके बैरियर्स ख़त्म, प्रीवियस वन की पॉलिसी से आया। लेकिन इसमें एक और चीज़ ऐड की गई है कि जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी बाकी मुल्कों से ट्रेड करने की पॉलिसी सेम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यूरोपियन यूनियन की एग्जाम्पल दी गई है। इन्होंने कहा है जी कि अगर यूरोपियन यूनियन किसी और मुल्क से ट्रेड करता है, तो जो यूरोपियन यूनियन की पॉलिसी है उस पॉलिसी में रहते हुए इनको ट्रेड करनी होगी। एक तो आपस में इन्होंने ट्रेड करनी है, वो उनकी सेम उसमें बैरियर्स नहीं होंगे, लेकिन उसके साथ साथ किसी एक इंडिविजुअल मुल्क ने किसी भी और नॉन मेंबर से ट्रेड करनी है तो वो एग्रीमेंट के हिसाब से ट्रेड करेगा। किसी ऐसे मुल्क से ट्रेड नहीं करनी जो बैन है, या ऐसे मुल्क से ट्रेड नहीं करनी जो एग्रीमेंट में है जी कि वहाँ से हम चीज़ें इंपोर्ट नहीं कर सकते। फिर हम लोग के पास है जी कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट में अगेन वही आपस में इनके बैरियर्स ख़त्म और एक्सटर्नल नॉन मेंबर से इनकी पॉलिसी सबकी सेम। प्लस एक चीज़ ये लोग और करते हैं, यहाँ पे ये मेंशन किया गया है द फ्री मूवमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो हम लोग के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब चीज़ें,
ये फ्रीली मूव हो सकती हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, यहाँ पे मुश्किलात नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान और इंडिया में ये फ्री मूवमेंट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन है, तो मैं यहाँ से बैठ के कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर सकता हूँ, वहाँ से कोई भी सर्विस किसी की भी हायर कर सकता हूँ, यहाँ आ सकता है, उसके लिए वीज़ा प्रॉब्लम नहीं होगी, उसके लिए बैरियर्स ख़त्म हो जाएंगे। काफ़ी मुश्किल होता है इसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की फ्री मूवमेंट करना, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें बैरियर्स आ जाते हैं और उसको रिमूव करना काफ़ी मुश्किल होता है, ईजी नहीं है इसको इम्प्लीमेंट करना। यहाँ पे इन्होंने मर्कस वॉट की एग्जाम्पल दी गई है जो फॉर्मर मार्केट को फॉलो करते हैं। आगे और भी एग्जाम्पल्स आएंगी और इसकी डिटेल आगे एक्सप्लेन भी की गई होगी। फिर है जी नंबर 4, इकोनॉमिक यूनियन। परहैप्स दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन टू फॉलो। व्हाई? बिकॉज इसमें जितने भी प्रीवियस लेवल हैं वो सब ऐड होते हैं, प्लस इसमें एक और चीज़ ये लोग करते हैं कि जो आपके करेंसी है वो सेम हो जाती है, सब चीज़ें वही, आपस में ट्रेड की पॉलिसीज में बैरियर्स ख़त्म हो जाते हैं, फ्री में फैक्टर और प्रोडक्शन होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या करते हैं जी कि करेंसी भी सेम कर देते हैं। करेंसी सेम होने का रीज़न ये है कि ताकि सबकी जो वेज रेट है, सब मुल्कों का जो टैक्स रेट है वो सब सेम हो जाए, ताकि इसकी वजह से फ्रीली मूवमेंट करना आसान हो जाता है, इसकी वजह से प्राइस कंपेयरिंग करना इजी होता है, इन्वेस्टमेंट करना इजी हो जाता है और बैंकिंग सिस्टम सेम हो जाता है। लेकिन ये बहुत मुश्किल है, इन्फ्लेशन हर मुल्क में डिफरेंट होती है, यूरोप में स्टिल इन्फ्लेशन सब में डिफरेंट है, लेकिन स्टिल वो लोग अच्छे से उसको मैनेज कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पे यूरोपियन यूनियन की इन्होंने मैंशन दी है। फिर हम लोग के पास है जी पॉलिटिकल यूनियन। पॉलिटिकल यूनियन कॉन्ट्रोवर्शियल है जी। इसमें लिखा गया है कि पॉलिटिकल यूनियन यूनियन ऐसी एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन की जिसमें डिफरेंट स्टेट्स होते हैं और वो कंबाइन हो जाते हैं, यूनियन उनमें इतनी होती है कि उनका एक ही प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बन जाता है। जैसे कि उन्होंने कहा जी कि यूएसए, यूएसए से क्या बनता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, ये स्टेट है, ये स्टेट है, ये यूनाइटेड है और ये अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है, इनका एक प्राइम प्रेसिडेंट है ट्रम्प। लेकिन अगर हम देखें तो ऐसे तो बाकी, और ये इन बकौल इनके जितने भी स्टेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट है, 100% इंडिपेंडेंट है, काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट 90% इंडिपेंडेंट है, ये लोग अपने फैसले खुद ले सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हर एक की डेवलपमेंट के रिस्पॉन्सिबल ये लोग खुद हैं। लेकिन अगर देखें तो बाकी मुल्कों में भी तो ऐसे ही है। अगर आप पाकिस्तान की एग्जाम्पल लें तो पाकिस्तान भी ऐसी है, जो सूबे हैं वो खुद मुख्तार हैं, वो अपने फैसले खुद ले सकते हैं और उनका एक रिप्रेजेंटेटिव है मुल्क का, डिफरेंट स्टेट्स का, और मुल्क का एक है इमरान खान इस वक्त। तो ये कॉन्ट्रोवर्शियल है, ये परफेक्ट एग्जाम्पल इसकी ऐसी होगी कि यूरोपियन यूनियन में डिफरेंट मुल्क हैं और वो डिफरेंट स्टेट्स उनकी बन गई हैं और वो कंबाइन एक खत्ते को रिप्रेजेंट करता है, एक मुल्क को रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें वो आएगा। लेकिन ये कॉन्ट्रोवर्शियल है, इन्होंने लिखा है जी कि सिर्फ अमेरिका ही इसकी एग्जाम्पल है, हालांकि अभी तक पॉलिटिकल यूनियन बना ही कोई भी नहीं है, लेकिन हम इसी को लेकर चलते हैं कि यहाँ पे ये मेंशन है। ये डिफरेंट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पे वीडियोस हैं, ये आप लाजमी देखिएगा और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी आपकी। अब इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के क्या फ़ायदे हैं, इकोनॉमिकली क्या फ़ायदे हैं? इकोनॉमिकली ये फ़ायदा होता है जी कि जब वो जो उस रीजन में आपस में कंट्रीज की एग्रीमेंट होते हैं तो उस खत्ते की डेवलपमेंट होती है, वो लोग बजाय इसके किसी और मुल्क से ट्रेड करने के आपस में ट्रेड करते हैं। एक तो उनका कल्चर सेम होता है, इलाका सेम होता है, तो एक दूसरे को ज़्यादा वो समझ सकते हैं, इसी वजह से वो फ्री मूवमेंट करते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बैरियर्स ख़त्म कर देते हैं और इस तरह से उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है उस खत्ते की। और पॉलिटिकली देखें तो जब कुछ ममालिक आपस में
में ट्रेड करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं इंटीग्रेशन का, तो उनकी ब्लॉक्स बन जाते हैं, और वो ब्लॉक जो है वो एक पावरफुल ब्लॉक बन जाता है। तो सिर्फ एक मुल्क नहीं होता, डिफरेंट मुमालिक होते हैं, तो वो आपस में स्ट्रॉन्ग ब्लॉक बन जाता है, तो कोई उनके खिलाफ जा नहीं सकता या उनसे जंग नहीं कर सकता। इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज या मुश्किलात क्या हैं कि एक तो ये कॉस्टली है, कॉस्टली इन द सेंस के कभी कभी ऐसा होता है कि आपके ब्लॉक में एक वीक ग्रुप आ जाता है और आपने उसकी भी तरक्की देखनी है, उस पर भी पैसे इन्वेस्ट करने हैं। एग्रीमेंट से पहले आप कहीं और पैसे इन्वेस्ट करते हैं जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता था, एग्रीमेंट के बाद आपको अपने खत्ते में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, शायद आपको इतना प्रॉफिट ना हो। सेकंड यह है कि कुछ जो कमज़ोर मुल्क हैं वो अपनी इंडिपेंडेंसी लूज कर जाते हैं। कैसे? जब जो कमज़ोर मुल्क है वो जो ताकतवर मुमालिक हैं उस एग्रीमेंट में उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी खुशहाली डिपेंडेंट हो जाती है उन मालिक में जो स्ट्रांग हैं। तो उसके कुछ ही नुकसान हैं, लेकिन एज अ होल इसके बेनिफिट ही होते हैं। अब ये रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ओनली मेक सेंस व्हेन द अमाउंट ऑफ ट्रेड इट क्रिएट्स एक्सीड्स द अमाउंट ऑफ ट्रेड द अमाउंट इट डाइवर्ट्स। मतलब अगर तो हमने ब्लॉक बनाया है वो तभी कामयाब होगा कि हमारी ट्रेड क्रिएट ज़्यादा हो, ट्रेड डाइवर्जन कम हो। अगर तो ब्लॉक बनाने के बाद हमारी ट्रेड डाइवर्जन हो गई है तो उस ब्लॉक का फायदा नहीं है। ये देखिए ट्रेड क्रिएशन क्या होती है। ट्रेड क्रिएट उस वक्त होती है जब आपके जो लो कॉस्ट प्रोड्यूसर्स थे विद इन फ्री ट्रेड एरिया वो रिप्लेस कर जाते हैं हाई कॉस्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। पहले महंगी चीज़ें प्रोड्यूस करते थे आप लोग, आपके जो प्रोड्यूसर थे वो एक्सपेंसिव थे। अब ट्रेड करने के बाद, एग्रीमेंट के बाद, दूसरे ममालिक के प्रोड्यूसर्स आ गए आपके मुल्क में और वो सस्ती चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। जब सस्ती चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे तो वो ब्लॉक मिलके दूसरे मुल्कों में सामान दे सकेगा। ट्रेड डाइवर्जन में क्या हो गया? ट्रेड डाइवर्जन में आपके जो सप्लायर्स थे वो आपके जो सप्लायर्स थे जो हाई कॉस्ट सप्लायर्स विद इन द फ्री ट्रेड एरिया रिप्लेस द लो कॉस्ट एक्सटर्नल सप्लायर्स। मतलब पहले आप किसी और मुल्क से सस्ती चीज़ें परचेज करते थे, अब आपके जो सप्लायर्स है वो विद इन उसी एग्रीमेंट के मुताबिक होंगे, उसी एग्रीमेंट ममालिक में से सप्लायर्स ऑफ कोर्स आएंगे और शायद वो एक्सपेंसिव हो। अगर ऐसा है तो ट्रेड आपकी डाइवर्ट हो जाएगी, तो उसका फ़ायदा नहीं है। अब रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में कुछ ब्लॉक्स हैं, कुछ एग्रीमेंट है वो डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे फेमस है हम लोग के पास यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के 27 मेंबर्स हैं, पहले 28 थे, इंग्लैंड था वो निकल गया बीच में से, अब 27 है। यूरोपियन यूनियन क्यों बना था जी? के वर्ल्ड वॉर के बाद जो तबाही मच गई थी दुनिया में, स्पेशली जो यूरोप में और ईस्ट वेस्टर्न यूरोप में जिसमें जर्मनी और फ्रांस वगैरह हैं, वहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया कि अब नो मोर, जंग नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का एग्रीमेंट था, और 1957 में एग्रीमेंट ये साइन हुआ था। उसके बाद ये उसका नाम था यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ये नाम था उसका। फिर उसके बाद यूरोपियन यूनियन 1994 में उसका नाम चेंज किया गया था। इस पे जो मेन मकसद था वो ये था कि जंग ना हो, हारमोनी हो, आपस में फ्री ट्रेड हो जाए, बैरियर्स ख़त्म हो जाए, और इन सब का मकसद ये था कि उस खत्ते में डेवलपमेंट हो जितना नुकसान हो चुका है और कभी जंग ना हो। यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन और उसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं उसके लिए यूट्यूब की वीडियो देखिए, आपको और डिटेल में आपको समझ आ जाएगी। इसकी जो यूरोपियन यूनियन का स्ट्रक्चर है वो ऐसा है जी कि इसका अपना कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जो तमाम यूरोपियन यूनियन में के जो मुल्क हैं उनके केसेस सुनता है, और उसके बाद
जैसे हर मुल्क की अपनी पार्लियामेंट होती है, इस तरह से यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट है, उसमें डिफरेंट मुल्कों के लोग बैठे होते हैं, डिफरेंट मुल्कों के लोग जो है वो रिप्रेजेंटेटिव एज ए रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते हैं, और हर मुल्क का जो मेंबर है वो एक एक टाइम सदर बनता है उसका। इसके साथ यूरोपियन काउंसिल सिस्टम है वहाँ पे, जो अपने अपने मुल्क जो यहाँ फैसले होते हैं पार्लियामेंट में, यूरोपियन काउंसिल उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ यूरोपियन कमीशन। अब इनकी जो करेंसी है वो सेम है यूरो। अब सेम करेंसी का बेनिफिट क्या है कि जब सेम करेंसी हो तो उसको मैनेज करना ईजी हो जाता है, प्राइसेस कंपेयर करना ईजी हो जाता है, कंपटीशन जो है कंपटीशन पॉजिटिव कंपटीशन को वो प्रमोट करता है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाती है। कि कैसे ये सब होता है, आपके जो करेंसी का जो रिस्क है एक तो वो ख़त्म हो जाता है, एक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होगी, एक मुल्क की डिक्रीज होगी तो उससे रिस्क कम हो जाता है, लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको पता है कि एक ही करेंसी है, उसको कैरी करना ईजी है, उसको ट्रांसफ़र करना ईजी है, करेंसी कन्वर्जन जो रिस्क है वो ख़त्म हो जाते हैं, इस वजह से लोग वही करेंसी कैरी करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उससे कंपटीशन ज़्यादा होता है। और फ्री फैक्टर प्रोडक्शन के लिए सेम करेंसी बहुत हेल्पफुल होती है। अच्छा जी, एक और है नेफ्टा है। नेफ्टा स्टैंड फॉर नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये देखें, ये तीन के दरमियान है, कनाडा, कनाडा है, अमेरिका और मैक्सिको। अब इनका जो एग्रीमेंट बना था वो ये था कि इनके आपस के जो जो ट्रेड है उसमें टैक्सेस नहीं होंगे, फ्री मूवमेंट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन होगी, और इनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्शन दी जाएगी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं जी? आपका लोगो, आपका ट्रेडमार्क, आपका स्लोगन, आपने कोई चीज़ इन्वेंट की है तो जिस मुल्क में नहीं है उसको प्रोटेक्शन दी जाएगी। अब जो कनाडा और अमेरिका हैं ये डेवलप कंट्रीज हैं, और जो मैक्सिको है स्टिल अनडेवलप्ड कंट्रीज है। तो इसके फायदे और नुकसान क्या हुए ये डिस्कस करते हैं जी। बेनिफिट क्या हुए मैक्सिको को, बेनिफिट क्या हुआ जी? जो जॉब थी मैक्सिको में वो इंक्रीज होगी, क्योंकि वो काफ़ी सस्ती चीज़ें प्रोड्यूस करते थे, तो वहाँ पे फैक्ट्रीज बननी शुरू हो गई। यूएस और कनाडा का बेनिफिट क्या हुआ कि उनको एक एक्सेस मिल गई मैक्सिको की मार्केट की, एग्रीकल्चर में वो बहुत अच्छे हैं मैक्सिको, तो वहाँ से जो चीज़ें बनती हैं उस पर टैक्सेस ख़त्म हो गया, तो वहाँ से वो चीज़ें इजीली मंगवा सकते हैं अपने लोगों के लिए, प्लस अब सस्ती चीज़ें उन मैक्सिको से बनवा सकते हैं और लोगों को सस्ती चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। अब उसके ड्रॉबैक क्या है जी कि यूएस कनाडा के लिए के जो वेज जो जॉब है लोगों की वो कम होना शुरू हो गई, क्योंकि कुछ फैक्ट्री शिफ्ट हो गई मैक्सिको में, और मैक्सिको के जो वर्कर्स हैं वो शिफ्ट होना शुरू हो गए यूएस और कनाडा, उसमें कुछ इनलीगल इमिग्रेंट्स भी आ गए, और जो जॉब मिलनी थी यूएस और कनाडा को वो मैक्सिको को मिलना शुरू हो गई। पोल्यूशन लेवल इंक्रीज हो गया, क्योंकि जो मैक्सिको के जो स्टैंडर्ड्स है वो काफ़ी रिलैक्सिंग है, मतलब उसमें स्ट्रिक्टनेस नहीं है। जैसे पाकिस्तान में अगर आप देखें तो कोई भी, ज़्यादातर लोग इतने स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते, पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, तो मैक्सिको में भी ऐसे ही है। और मैक्सिको ने अपनी जो डोमिनेंस है वो नेफ्टा में इतनी स्ट्रांग नहीं रखी हुई, और वो सुनता है जी जो यूएस और कनाडा बोलते हैं। ये अगेन यूट्यूब का लिंक है, अगर आप यहाँ से देखें नेफ्टा की आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इंडियन कम्युनिटी है जी, इंडियन पैक्ट 1969 में ये बना था जी, यूरोपियन यूनियन के मॉडल पे बना, लेकिन इतना कामयाब नहीं हो सका। उसके बाद दोबारा से 1980s में इन्होंने मॉडल को चेंज किया, और अब इसमें फ्री मूवमेंट ऑफ फैक्टर और प्रोडक्शन है, ये लोग फॉलो करते हैं जी कस्टम यूनियन को। और अगेन इसमें इसकी एग्जांपल, इसमें जो डिटेल है वो इस यूट्यूब में है। अगर आप इसको, मैं आपको मैप दिखा दूँ, ये मैप है जी, कोलंबिया है, प्यूरो है, बोलोविया है, ये सब मालिक इसमें हैं। इसके साथ ही ब्राज़ील है, अर्जेंटीना, यहाँ पे चिली है। नेक्स्ट पे आपके जी मर्कोसोर,
ये भी फ्री ट्रेड पैक्ट था बिटवीन ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना। उसके बाद इन्होंने 1990 में एक्सपेंड कर दिया। उनके साथ थे जी पैराग्वे और यूरोग्वे, इन्होंने उसको शामिल किया। अब इसमें और भी शामिल हो चुके हैं, वेनेजुएला भी शामिल इसमें हो चुका है। इसकी अगेन डिटेल आपको यूट्यूब में मिल जाएगी चैनल पे। ये इसका मैप है जी, वेनेजुएला और बोलिविया भी है इसमें, और ये मालिक है इसमें। इनका अपना एग्रीमेंट है, इनका अपना अलग से एग्रीमेंट है। फिर जी आजियन, कुछ लोग आजियन कुछ आसियन भी प्रोनाउंस करते हैं, क्योंकि एशियन साउथ एशियन से लिंक है इसका। क्या है जी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इनका है मोस्टली इनका एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, अपने इलाके की हारमोनी के डेवलपमेंट के लिए, और एक्सटर्नल एक्सटर्नल फोर्स से बचने के लिए उन्होंने बनाया था। डिटेल इसकी यहाँ पे मेंशन है, इसका मैप मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जी, ये मैप है, ये हम लोग के साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में आते हैं। ये इनका आपस में एग्रीमेंट है। फिर है जी एपेक है। एपेक बहुत स्ट्रॉन्ग एक इंटीग्रेशन है, जिसमें 21 कंट्रीज हैं और दुनिया के तकरीबन 60% जो जीडीपी है इन लोग के, इन ममालिक के पास है। और दुनिया की जो 50% प्रोडक्शन है वो ये ममालिक बनाते हैं इसमें। लेकिन स्ट्रॉन्ग ये यूनाइटेड नेशन, जापान और चाइना, यही बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी, इसका मैप मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें जी, ये सब कंट्रीज इसमें शामिल हैं एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अच्छा जी नेक्स्ट, ये है जी दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक, और ये हम लोग के इंटीग्रेशन लेवल है। बाकी आपसे मिलते हैं दोबारा इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।